तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें मैक फोलेट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रिशनल से जुड़ी समस्या में। तो मैक फोलेट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल किस तरह की समस्या में डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, या जब आप उसे यूज करते तो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकता है, कल कब लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैक फोलेट कैप्सूल इससे मैकोलाइड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर ऐड किया गया है वह मिथाइलकोबालामाइन है और एल मिथाइल फोलेट है और फॉस्फेट है। तो इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का है जिसकी कॉस्ट है 119 रुपया। तो मैक फोलेट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, अगर आप फ्यूचर में बहुत सारे मेडिकल जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मैक फोलेट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जब आप लेते हैं तो आपको ये हेल्प करता है, जैसे कि आपके रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, साथ में ये हेल्प करता है आपका हेमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखने में, और ये एक तरह से और भी आपको हेल्प करता है जैसे कि आपके आयरन के अब्जॉर्प्शन में, और जैसे कि आप फैटी है, जो फैट और कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी में है उसका जो यूज करके एनर्जी लेवल को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। तो एक तरह से ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेमोग्लोबिन को प्रॉपर रखता है और नर्व्स फंक्शन और जैसे कि ब्रेन फंक्शन जो रहता है सिस्टम, उसे भी ठीक सुचारू रूप से फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। मिथाइलकोबालामाइन नर्व्स से रिलेटेड समस्याओं को दूर करता है, और जैसे कि एल फोलेट है तो ये एक तरह से फोलिक एसिड, ये हेल्प करता है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में, और आयरन की डिफिशेंसी दूर करने में हेल्प करता है। तो अगर आप जब इसे लेते हैं जैसे कि खून की कमी है या न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है, तो डॉक्टर मोस्टली आपको इसे 1 मंथ तक रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपको 1 कैप्सूल डेली लिया जाता है इसे खाना खाने के बाद। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं जैसे कि अनेमिया में, जब खून की कमी या हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है आपके अंदर, जैसे आपका नर्व से रिलेटेड समस्या है जिसमें आपको दर्द वगैरह हो रहा है, तब इसे दिया जाता है। तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में कंफर्म करें लेने से पहले। आप बिना डॉक्टर्स की सलाह से लेते हैं, खुद से लेते हैं, तो हो सकता है ये कॉमन साइड इफेक्ट हो जब आपको डोजिंग ज़्यादा हो जाए, जैसे कि आपको पिंपल्स आ सकते हैं, स्किन रिएक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैक फोलेट मोस्टली आपको अवेलेबल मिल जाता है सारे जगहों पे, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए मेडिसिन के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।